वो पहले ही पहुंच जाते हैं, अगर ऑफ होता है जिम स्टेंशन नहीं है तो भी वो करते हैं। मतलब हर चीज में वो इतने परफेक्ट हैं, इतने कैप्टनसी उन्होंने की, इतने काम रहते हैं, लड़का टैलेंटेड है, सब कुछ, मैजिशियन भी है, वो मैजिक वगैरह भी दिखाता है, वो कार्ड एंड ऑल से। और वो मुझे पास में बिठाते भी इसलिए ताकि वो काम करवा सके, छोटा है ना वो, ये लेके आओ कोई चीज किधर पड़ी है कोई चीज। माय स्क्वाड विद राहुल चाहर, स्वागत है आपका। अब राहुल, ये सवाल रहेगा कि एक मैं शब्द बोलूंगा, उस शब्द से जिस खिलाड़ी को आप एसोसिएट करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं, वो नाम बताइएगा जिनके साथ आप खेले हैं और ऐसा क्यों। लेट्स स्टार्ट विद परफेक्शनिस्ट। धोनी। क्यों? मतलब हर चीज में वो इतने परफेक्ट हैं, इतने कैप्टनसी उन्होंने की, इतने काम रहते हैं। मतलब उनका जो बस्ता होता है, जो किट बैग होता है, वो भी एकदम परफेक्ट रहता है। वो भी परफेक्ट रहता है हमेशा। कपड़े इस्त्री विस्त्री करते हैं उनके रूम में क्या कभी? हाँ गया हूँ। तो रूम एकदम ऑर्गेनाइज रहता है, इधर-उधर फैला रहता है? नहीं नहीं, जगह पे रहती है। जिम फ्रीक, जो जिम से बाहर नहीं निकलता। विराट भैया। विराट कोहली। उनके साथ जब, मतलब जब टीम में था, इंडियन टीम में था, तो जिम में टाइम दिया जाता है, वो इतने बजे पहुंचना है। मैंने सुना है वो पहले पहुंच जाता है और सबसे लेट जाता है। हाँ, वो पहले ही पहुंच जाते हैं, अगर ऑफ होता है जिम स्टेंशन नहीं है तो भी वो करते हैं। ओके। और दूसरा नाम लूंगा मेरा भाई, वो भी है। ओके। वो अच्छा उन्होंने नाम ले लिया, क्योंकि दीपक ने नहीं तो इसके बड़े, मतलब क्या ही बोलूं, छोड़ो। हाँ, जिम के ऊपर तो मार भी सकते हैं मुझे। मैं कहना नहीं चाह रहा था, बट इसने कह दिया कि जिम के ऊपर वो मार भी सकते हैं। अच्छा, अब मैं फिर दोबारा पूछने वाला हूँ, इसमें शायद कोई नया नाम है। सोशल मीडिया स्टार कौन है? मतलब सेल्फी एक बात हुई, सोशल मीडिया स्टार जो ट्विटर पे भी ध्यान रखता है, इंस्टाग्राम पे भी ध्यान रखता है, फिर हो सकता है टिकटॉक पे भी आ गया हो, मतलब पता नहीं, बट वो कौन है? मैं हार्दिक भी बोलूंगा, क्योंकि मैं उनको मुंबई इंडियंस में भी देखता हूँ, तो वो ज्यादा एक्टिव रहता है। सबसे अच्छा डांसर कौन है? अय्यर। श्रेयस अय्यर। और क्या मूव है उसके, वो मैंने देखे उसके इंस्टाग्राम पे, ही इज अ वेरी गुड डांसर। ऐसा लगता है उसके अंदर, मतलब है इंडियन लेकिन वेस्ट इंडियन उसके अंदर मुझे थोड़ा सा फ्लेवर नजर आता है। लड़का टैलेंटेड है, सब कुछ, मैजिशियन भी है, वो मैजिक वगैरह भी दिखाता है, वो कार्ड एंड ऑल से। टैलेंटेड है वो लड़का, ठीक है। ट्रैवल बडी कौन है आपका, जिसके साथ आपको ट्रैवल करने में बड़ा मजा आता है? मेरा भाई। अच्छा, उसके साथ मजा आता है वो, लेकिन बोलने का मौका तो कम मिलता होगा। मजा भी नहीं आता तो भी वो खुद के साथ ही जबरदस्ती खींचते हैं, इधर आ तो साथ में बिठा ले। तो अच्छा, जब तुम दोनों साथ में होते हो, अच्छा, और वो मुझे पास में बिठाते भी इसलिए ताकि वो काम करवा सके, छोटा है ना वो, ये लेके आओ, चलिए काम कर, चल वो काम कर, चलिए काम करो, तो उनका काम ईजी हो जाता, उनका काम आसान हो जाता है। दीपक, ये देख बेटा, गलत बात है, अच्छा ऐसे नहीं करते हैं। अच्छा, और मैसीएस्ट कौन है, मतलब परफेक्शनिस्ट की बात हमने कर ली, मैसीएस्ट कौन है, जिसका कमरा देख लो, ड्रेसिंग, वो क्या कहते हैं, किट बैग देख लो, सब चीजें देखो, सब इधर उधर पड़ी रहती हैं। इंडियन टीम में तो कोई ऐसा नहीं है, सब अपना सामान एक जगह पे रखते हैं। नहीं, राजस्थान टीम, आईपीएल टीम, मुंबई इंडियंस, आरपीएस, ईशान किशन है मुंबई इंडियंस में, जिसका सारा सामान इधर उधर फेंक के रखता है। हाँ, सारी चीजें, कोई चीज किधर पड़ी है, कोई चीज किधर, नॉटी बॉय ईशान किशन। अच्छा, ओके, तो ये तो रहा तुम्हारा स्क्वाड, ये राहुल चाहर का स्क्वाड था, पर एक शब्द जो आपको डिफाइन करता है? विनर। मैं कोई भी कुछ, कोई भी चीज खेलूं, मैं जीतना चाहता हूं उस चीज में। क्या बात है, मैं इनके साथ कुछ नहीं खेलूंगा, इनके साथ खेलूंगा लेकिन मैं कोशिश करूंगा मैं जीत जाऊं। बट देन थैंक यू वेरी मच राहुल, थैंक्स फॉर बीइंग ऑन आवर स्क्वाड, लाइक माय स्क्वाड, योर स्क्वाड एक्चुअली। तो आप लोगों को क्या करना है, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, कमेंट करो, नोटिफिकेशन घंटी भी बजा दो यार, बजा दो।